हेलो एंड वेलकम टू बैडास हैमलेट। आज हम रिव्यू करेंगे होंडा डियो डीएक्स BS6 मॉडल। सो दोस्तों, ये है होंडा डियो BS6 का नया मॉडल जो फरवरी में लॉन्च हुआ है इसी साल। इससे पहले जो होंडा डियो BS6 की लॉन्च हुई थी बाइक, उसमें कुछ फॉल्टी रेयर सस्पेंशन का इशू था, जिस वजह से जो ऑयल था वो पिछले टायर से सस्पेंशन से लीक होता था और उसके वजह से काफ़ी सेफ्टी इशू होता था। सो वो पूरी जो डिलीवरी थी वो पूरा रिकॉल किया होंडा ने, और उसके बाद इन्होंने ये लॉन्च किया है जो इनका लेटेस्ट वर्जन है होंडा डियो का। ये आता है 2 वेरिएंट्स में, जो एक स्टैंडर्ड है वर्जन इसका होंडा डियो का और एक है डीलक्स। सो ये जो बाइक है ये है होंडा डियो DX विच इज़ द डीलक्स वर्जन। डीलक्स और स्टैंडर्ड में जो बेसिक डिफरेंस आपको जो दिखेगा वो है, जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्प्ले वो नहीं है और LED हेडलाइट नहीं है जो DX वर्जन में है, जो इस पर्टिकुलर वर्जन में है जिसका हम आज रिव्यू करेंगे। अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये फ्यूल इंजेक्टेड है और जो पिछला वर्जन था उसमें कार्बोरेटर आता था। करंट वर्जन जो है ये 109.5 CC मोटर पावर्ड है। इसमें पावर थोड़ा सा कम हुआ है, पर जो टॉर्क है, टॉर्क बेसिकली होता है क्या, कितनी फास्ट आपकी बाइक मूव होती है, कितना फास्ट आपके व्हील्स रोटेट होते हैं, तो वो पावर जो है टॉर्क का थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा बढ़ गया है। इसमें आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन फ्रंट व्हील में, और जो फ्रंट व्हील है जो पहले आती थी डियो की वर्जन, उसमें आपको 10 इंच का व्हील बेस मिलता था, बट अभी कंपनी ने आगे का जो व्हील है ये 12 इंच कर दिया है, सो दैट इज़ गुड। पर जो पिछला व्हील है वो अभी भी 10 इंच का ही है, और सपोर्टेड इसमें जो मिलता है आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का मिलता है। इसमें जो एक मिसिंग पार्ट है, क्या अभी भी आपको जो है एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है और ना ही डिस्क ब्रेक मिलता है। आई थिंक इस प्राइस रेंज में एटलीस्ट डिस्क ब्रेक मिलना चाहिए था, सो दैट वुड हैव बीन गुड। जो ओवरऑल डिज़ाइन है बॉडी का वो सिमिलर है पिछले डियो वर्जन से, जैसे फाइबर का इस्तेमाल काफ़ी कुछ हुआ है इसमें, और जो हेडलाइट है ये भी आगे काफ़ी बड़ी हेडलाइट है। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं जहाँ पे और शार्प लुक दिया गया है इस बाइक को। इसमें काफ़ी सारे कलर वेरिएंट है, आई थिंक अराउंड 7 कलर वेरिएशंस है जो ड्यूअल कलर्स में आते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। जो बॉडी पैनल है ये और व्हील्स का जो लुक है ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो व्हील है इसमें गोल्डन कलर आपको दिया गया है, सो लुक काफ़ी स्पोर्टी दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें जो बेस्ट फीचर्स दिए गए हैं उसमें जो डिजिटल डिस्प्ले है बाइक का ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ट्रिप मीटर है, कितना फ्यूल में अभी बाकी है आपके पास, उसमें कितना आपको माइलेज मिलेगा, कितनी और किलोमीटर्स चल सकती है, फ़िलहाल आपकी बाइक का माइलेज कितना है, सो ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है जो आपको इस बाइक में मिलती है। और एक बेस्ट फीचर आपको दिया गया है, क्या इसमें जो फ्यूल है वो भरने का जो फिलर है ये आपको बाहर दिया गया है, ना कि सीट के नीचे, सो दैट इज़ गुड। ऑल्सो ये पार्ट जो है फ्यूल का ये कवर्ड है, जैसे आपको दूसरी बाइक्स में बाहर की तरफ मिलता है उसमें काफ़ी चांसेस होता है कि आप बारिश का पानी वगैरह अंदर चले जाता है, बट इसमें ये ढका हुआ होता है जो आपको स्विच के थ्रू ओपन कर सकते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। इसमें और एक फीचर जो दिया गया है वो किल स्विच का है, इंजन किल स्विच, जो प्रीवियस मॉडल में नहीं था। इसी किल स्विच से आप बाइक को ऑन भी कर सकते हैं। अनदर बेस्ट पार्ट इज़ द पास लाइट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पास लाइट दी गई है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर।
कुछ चीज़ जो बेटर हो सकती थी वो है डिस्क ब्रेक। इस बाइक में दोनों वर्जन में डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए हैं और जो व्हील है वो स्टैंडर्ड व्हील है, ना कि एलॉय व्हील्स। पिछले बाइक वर्जन में जो बैटरी थी ये बाइक के सीट के नीचे दिया गया था, बट इस वर्जन में अगर आप देखें तो जो आपका फुटरेस्ट जहाँ पर होता है ये वहाँ पर दिया गया है। तो ये फीचर इतना ग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर बारिश के वक्त थोड़ा पानी भर जाए और आपकी बाइक वहाँ से पास हो तो चांसेस है कि पानी इस बैटरी कंपार्टमेंट में जा सकता है। सो ये थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फीचर है बाइक में। स्टोरेज कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड है, इसमें आप हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं, जो फुल फेस स्पोर्टी हेलमेट है वो आसानी से फिट नहीं होता है। ओवरऑल द बाइक इज़ गुड, काफ़ी स्मूथ है। जो इंजन स्टार्ट भी जब आप करते हो तो इसमें ACG स्टार्टर दिया गया है जो साइलेंट स्टार्टर होता है। ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है बाइक। माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है अराउंड 55 किलोमीटर्स पर लीटर, बट हमने जब यहाँ पे चेक किया था तो वी वर गेटिंग समवेयर अराउंड 48 किलोमीटर्स पर लीटर। सो ओवरऑल ग्रेट बाइक, वैल्यू फॉर मनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड पीस टू यू।